पद्मा पाइप्स। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज चैनल में। मैं स्वप्निल जैन। इस वक्त भवानी मंडी से बड़ी खबर आ रही है। जिला कलेक्टर निकया गोहायन ने भवानी मंडी क्षेत्र का किया दौरा। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत सूलिया में सोयाबीन की फसल खराबी की जानकारी लेते हुए किसानों को निरीक्षण करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। वहीं क्षेत्र में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संक्रमित एरिया में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश देते हुए कोरोना संक्रमितों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई। साथ ही पीपीई किट की उपलब्धता का आश्वासन दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचकर डंपिंग यार्ड का निरीक्षण कर डंपिंग यार्ड एरिया में मेडिकल वेस्ट फेंकने को लेकर विरोध जताते हुए बीमारियों के फैलने का खतरा बताकर बाउंड्री वॉल बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक कर पत्रकारों से वार्ता की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी रामप्रकाश वर्मा, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, विकास अधिकारी नरेश शर्मा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शंभुदयाल मीणा, थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव आदि मौजूद रहे। बढ़ते जा रहे हैं, आज आपका विजिट था, क्या आपने देखा था? देखिए, कोरोना काल में हमको ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, मेरा एक ही मत है। मास्क ही आपका वैक्सीन है, मास्क ही आपका वैक्सीन है। बिना मास्क पहने घर से ना निकले, सारे कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें। कंटेनमेंट जोन्स को हमने देखा कि थोड़ी लापरवाही हो रही थी, तो अभी हमने सारे जिले में कठोरता से उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। हम बैरिकेडिंग को सीलिंग के रूप में काम ले रहे हैं। कोई भी यदि कोरोना पॉजिटिव निकलेगा तो कंटेनमेंट जोन से कठोर पालना होगी। साथ ही साथ अभी वहाँ से हम वापस बहुत हमने आईसी जागरूकता कर ली, लेकिन अभी भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है, तो हम लोग अभी वापस कार्रवाई चलाना और इसके साथ काट रहे हैं। बात पीपी किट की आती है, पीपी किट काफी दिक्कत आती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कल एक मौत हो गई थी, उसमें पीपी किट की काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी को अभी तक पीपी किट उपलब्ध नहीं हुआ है। जो पीपी किट है बीसी में चौबीस के स्टॉक में पूरी मात्रा में है, इसको भी पीपी किट चाहिए। वो बीसी में जो संपर्क करके निर्धारित रूप में पीपी किट लिया जा सकता है। डंपिंग ग्राउंड में जनरली आपको ध्यान होगा एनजीटी के रूल के पालन की फॉलो करनी है, तो हमारे फैसिलिटी यहाँ बनी हुई है, साथ में अभी उसका अच्छा और क्रियान्वयन किया जाना है, तो वो मैंने जाके अभी नगर पालिका क्षेत्र के जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ देखा। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगा, अभी बहुत सारे किसान हैं वो काफी चिंतित हैं, उनको पीलिया या फिर अतिवृष्टि से उनका फसल खराब हुआ है। मैंने ऑलरेडी आपको सारे एसडीओ और तहसीलदार को ये निर्देश दे दिए हैं कि वो उनका सर्वे होगा, जरूर होगा, मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ। उनके सर्वे होने के बाद कुल बुआई के यदि 33% तक यदि उनका फसल खराबा हुआ है, उनको वो मुआवजा के लिए हकदार भी है और उनका प्रावधान भी है। साथ ही साथ आपको ध्यान में होगा कि 15 अक्टूबर तक गिरदावरी हमको करनी है, जो रवि के खरीफ के फसल के बाद 15 अक्टूबर तक की गिरदावरी, उसके अंदर भी यदि कोई भी सर्वे में छूट गया होगा फसल खराब के लिए, उसको हम कवर कर लेंगे। सर, जिला शासन से बात करते हैं, जिस तरह से सर कई मौतें हो चुकी है, लापरवाही कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग के देखने को नजर आ रही है। सर, जिले में कई मौतें हमारे सामने हुई है, इलाज के अभाव में मौतें हुई सर झालावाड़ में? नहीं, इसमें यह है कि लेकिन हमारे मेडिकल कॉलेज के जो जितने हमारे पास बेड हैं, उस बेड के अनुसार हम जितना हो सके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे पास मेडिसिंस और रेमसिडविर जो आप 40,000 रुपये की जो इंजेक्शन है उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम यही चाहते हैं कि किसी की भी मृत्यु ना हो कोरोना कॉम्प्लिकेशन के अनुसार। जागरूकता को लेकर कोरोना जागरूकता का तो जागरूकता एक सतत प्रक्रिया है, हम सब जानते हैं। जागरूकता हम का जो भी अभियान हम अभी चला रहे हैं, चाहे वो पोस्टर पैम्पलेट से हो, चाहे वो मोबाइल वैन से हो, चाहे वो रेडियो सोशल मीडिया पर हो, तो उसको हम जारी रखेंगे। थैंक यू। भवानी मंडी में ही दूसरी बड़ी खबर आ रही है। भवानी मंडी में निजी चिकित्सालय सिद्धार्थ हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता एवं उसके गर्भ में दो जुड़वा नवजात की मौत के बाद परिजन मृतका के शव को लेकर सीएचसी पहुंचे, जहां सीएचसी में तैनात डॉक्टर हेमंत शर्मा व परिजनों के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीएचसी में हो रही भीड़ को तितर बितर किया। इस दौरान चिकित्सा मौका देखकर पीछे के रास्ते से फरार हो गया। सीआई महावीर सिंह यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सीएचसी परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो रही है, जिस पर मौके पर जाकर देखा तो सामने आया कि सिलेगढ़ निवासी प्रसूता कृष्णाबाई पत्नी गोपाल का पचपाड़ मार्ग पर स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसको परिजनों ने शुक्रवार को प्रसव के लिए भर्ती करवाया था।
लेकिन शनिवार को सुबह अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को प्रसूता को अन्य अस्पताल में ले जाने के लिए कहा, जिस पर प्रसूता की रास्ते में ही मौत हो गई, जिस पर परिजनों में रोष व्याप्त हो गया। सीएचसी पर तैनात चिकित्सक पर नाराजगी जाहिर करने के लिए प्रसूता के परिजन उसके शव को लेकर सीएचसी पहुंच गए, जहां परिजनों चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर शव को ले जाने से मना कर दिया। इस दौरान चिकित्सक व परिजनों के बीच कहासुनी भी हो गई, वहीं स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस बल भी तैनात किया गया। परिजनों का कहना है कि चिकित्सक ने पहले तो सामान्य प्रसव के लिए कहा था, लेकिन बाद में ऑपरेशन से प्रसव का हवाला देते हुए 15,000 रुपए भी जमा कर लिए, लेकिन बाद में अचानक प्रसूता को अन्य अस्पताल में ले जाने के लिए कहते हुए उसे स्ट्रेचर पर बाहर भेज दिया। बाद में प्रसूता को नून हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने पुलिस को कार्यवाही को लेकर लिखित रिपोर्ट दी है। इलाज के लिए तो इन्होंने बोला 3 दिन बाद होगी डिलीवरी, तो आप इसको 3 दिन का ट्रीटमेंट देके घर भेज दिया। डिलीवरी नॉर्मल बताई थी। हाँ, फिर वापस वहाँ गाँव में जाने के बाद उसको पेन बढ़ा, तो हम वापस लेके यहाँ आए। कब लेके आए? कल शाम को। फिर उन्होंने बोला कि 15,000 रुपये जमा कर दो, सुबह नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर तो हमने पैसे जमा करवा दिए। फिर सुबह 9 बजे डॉक्टर साहब तो राउंड पे घूम गए, बोला कि हो जाएगी डिलीवरी नॉर्मल। डिलीवरी वहाँ होनी थी या होनी थी वहाँ? फिर क्या हुआ? फिर सर हम त्यागते रहे वहाँ इधर उधर, मैडम क्या हो रहा है, क्या मैडम क्या हो रहा है, तो 11:30 बजे मैडम ने बोला इसके तो बीपी हाई हो गई, इसको तो वहाँ ले जाओ नून में। मैंने कहा सर आपको जब कल से यहाँ घूम के रखा है तो हम कहाँ जाएंगे, अब नून में लेके वहाँ कौन संभालेगा। क्या मैंने डॉक्टर से बात की और मरी हुई बच्ची को वहाँ से निकाल दिया। कहाँ से? वहाँ सिद्धार्थ हॉस्पिटल में। फिर हम वहाँ ले गए नून में, तो भैया यहाँ नहीं है डिलीवरी वाला कोई डॉक्टर ही नहीं, ले जाओ इसको। अभी कहाँ लाए वो? तो अब आपने सरकारी में लाए। कौन लाए? हम सभी लेके आए। डिलीवरी पीरियड में लाए थे? हाँ। क्या कहा फिर डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि इसकी बीपी लो होगी, बिल्कुल टाइम पे निकाला उसको। अच्छा, फिर आज क्या हुआ? आज वो रास्ते में ले जाते खत्म हो गई, वहाँ नून में जा रहे थे। फिर यहाँ लाए? हाँ। देखिए कोई डेड बॉडी क्या बोलते हैं मृत महिला को हॉस्पिटल में लाया गया, और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं सर्जन उनसे उनके साथ में कहा गया कि आपके अस्पताल में भर्ती थी और ये डेथ हो गई है और आपने इसको देखा नहीं, आपने क्यों नहीं देखा, ऐसा इस तरह से बोला गया। और ये पेशेंट आर के राघव हॉस्पिटल में भर्ती ही रही थी 2 दिन से, और आज सवेरे इसको जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार इसको आज सवेरे नून हॉस्पिटल में भेजा गया था। और जिस तरह से इसके अटेंडेंट ने बताया कि वो रास्ते में डेथ हो गई थी और उसके बाद में नून अस्पताल वालों ने इसको सीधा सरकारी अस्पताल में भेज दिया। तो परिजन यहाँ क्यों आए, क्या कारण है? परिजन यहाँ आने की वजह क्योंकि नून अस्पताल वालों ने इस मृत महिला को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहा था, तो इसलिए ये यहाँ आ गए थे। और चूँकि यहाँ पे उस हॉस्पिटल से संबंधित एक डॉक्टर साहब सर्जन है वो यहाँ पे उनकी सर्विस है, इसलिए ये सीधे अटेंडेंट उन डॉक्टर साहब के पास पहुँचे और उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा हुआ जो भी, और फिर उस घटना के बारे में बताया गया कि थोड़ा यहाँ पे कहा सुनी भी हुई। मृतक का इलाज यहाँ चल रहा था क्या आपके अस्पताल? उसके बाद में जो सूचना मिली आते ही मैंने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया और बॉडी उनके इंडोर की और आगे की कार्यवाही पुलिस प्रशासन देख रहे हैं। उसका इलाज चल रहा था क्या यहाँ पे? यहाँ पे कोई इलाज नहीं चल रहा था, यहाँ बताया कभी भी उसके पास में जो भी पर्चे हैं देखने पर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के पर्चे हैं और जिस हॉस्पिटल में ये भर्ती थी वहीं के इलाज चल रहा था। क्या मामला है, पूरा घटनाक्रम क्या है? अभी हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होने की सूचना मिलने के ऊपर यहाँ आए। यहाँ आने के बाद पता चला कि एक महिला जिसके पेट में गर्भ के अंदर 2 बच्चे एक मेंस थे, उनका इलाज यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चल रहा था। तो आज सुबह उसको जो महिला है उसके परिजनों को बुला के उन्होंने महिला की तबीयत खराब होके उसको दूसरे सेंटर पर ले जाने के लिए भेज दिया, जहाँ रास्ते में ले जाते समय उसकी डेथ हुई। जी, इस संबंध में परिजनों का आक्रोश है और वो डॉक्टर की लापरवाही के संबंध में चीज़ें बता रहे हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पताल में लाने का मतलब जरूर कुछ है? सरकारी अस्पताल में लाने का मतलब परिजनों जो प्राइवेट सेक्टर में इलाज चल रहा था सरकारी अस्पताल में, शायद इनके जो हॉस्पिटल ओनर है जी, इनके वहाँ जो उसके हस्बैंड है वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। यस, इसलिए यहाँ लाए। परिजनों ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं, अभी नहीं।
करा रहे हैं, छूट देंगे। बने रहिए ऐसी और खबरों के साथ खबर 24 न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। कमला रिसोर्ट होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स सेमी डिलक्स रूम। शादी व पार्टी बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकीज के पास, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर संतोष काग्या, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420581 9694643148। बालकृष्ण रेजिडेंसी होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स व्यवस्था। शादी व पार्टी की बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकीज परिसर, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर रामेश्वर, जिनका मोबाइल नंबर है 9887105911 7597462260।